नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज नवमी है। आज के दिन माता रानी को हलवा खीर का भोग तो सबको ही लगाते हैं, क्यों ना अब की बार कुछ अलग हो जाए। तो चलिए आज बनाते हैं मीठी बूंदी। सबसे पहले आधा कप बेसन लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। देखिए बैटर तैयार है, लेकिन मैं इसे छलनी से छान रही हूँ ताकि बैटर में कोई भी लम्स ना रहे। देखिए बैटर को मैंने छान लिया है और एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब बनाते हैं बूंदी। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल गरम हो चुका है, अब बूंदी वाला झारा लेंगे और इस तरह बूंदी निकालेंगे। देखिए बूंदी क्रिस्पी हो चुकी है, अब इसे घी से बाहर निकालेंगे और इसी तरह सारी बूंदी बना लेंगे। अब बनाते हैं चाशनी। इसके लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें एक कप चीनी और आधा कप पानी डालेंगे। देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। चाशनी तैयार है, ये एक तार की चाशनी है। अब इसमें खुशबू के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर, केसरिया कलर, और थोड़ी सी केसर डाल रही हूँ। केसर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। अब गैस को करते हैं बंद। चाशनी हल्की सी ठंडी हुई है, अब तैयार बूंदी को इसमें डालेंगे। दो तीन मिनट चाशनी में रखने के बाद
इसे इस तरह झारा से बाहर निकालकर इसे चलनी में डाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा चाशनी बाहर आ जाएगी। देखिए खुली खुली बूंदी तैयार है। अब इसमें चॉप पिस्ता बादाम डाल रही हूँ और अगर आपके पास मगज के बीज हो तो वो भी डाल देना और थोड़ा सा सूखे गुलाब के पत्ते डालकर मिक्स करेंगे। कितनी फाइन बूंदी बनकर तैयार हुई है, लग रही है ना पूरी हलवाई के स्टाइल से बनी हुई। इस रेसिपी के लिए दो टिप्स और ट्रिक्स है। पहली, अगर आपका बेसन बैटर पतला होगा तो बूंदी गोल नहीं बनेगी, ये चिपटी हो जाएगी, इसमें बेसन और मिक्स करिए। और दूसरी, चाशनी अगर एक तार से नीचे होगी तो आपकी बूंदी चिपचिपी हो जाएगी, खुली खुली नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।